हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखेंगे किसी भी एग्जैक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 नंबर तक हमें सबका क्यूब पता होना चाहिए। ओके, अब एग्जांपल से हम सीखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लिया है हमने 74088, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे राइट साइड से। इसमें हम 3 नंबर्स इकट्ठे लेंगे, 3 डिजिट्स को एक ग्रुप में बनाएंगे। ओके, तो आपका फर्स्ट ग्रुप में बन गया 088 और सेकंड ग्रुप में आ गया आपका 74। ओके, अब सबसे राइट वाली जो डिजिट है यूनिट प्लेस वाली, वो है 8, और 2 का क्यूब आपका 8 होता है, तो इसका मतलब आपका यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा 2। ओके, फर्स्ट आ गया हमारे पास जो यूनिट डिजिट पे जो डिजिट होगी यूनिट प्लेस पे वो होगी 2। अब हमें यहाँ निकालनी है टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। इसके लिए हम अब 74 को चेक कंसिडर करेंगे। अब 74 है आपका वो 64 और 125 जो कि 5 का क्यूब है और 64 जो कि 4 का क्यूब है। तो आपका गिवन नंबर जो है 74 वो 64 और 125 के बीच में लाई करता है। ओके, ऑल्सो हम देखते हैं कि जो 50 का क्यूब होता है वो होता है आपका 125000, जो कि आपका ग्रेटर है 74088 से। तो हम 5 कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 42। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस पे डिजिट देखी, उससे हमारा यूनिट प्लेस आ गया क्यूब रूट का। फिर हमने दूसरा ग्रुप चेक किया, उस पर उससे हमने फर्स्ट डिजिट निकाल ली जो कि आ गई आपकी 42। तो इस नंबर का क्यूब रूट होगा 42। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं फिर से। ग्रुपिंग करी हमने 3 डिजिट्स की, तो आपका एक ग्रुप बन गया 533 का, सेकेंड ग्रुप बन गया 456 का। 533 में जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो है 3। अब 3 आपकी 7 7 49 49 7 343, मतलब 7 क्यूब होता है आपका 343, तो उसमें 3 आता है आपका। तो इसका मतलब आपका जो क्यूब रूट आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा उस पर आएगा 7। अब हमें टेंस प्लेस देखना है कि टेंस प्लेस पे कितना आएगा। तो एक डिजिट हमने निकाल दी, अब ये वाला नंबर हम निकालेंगे 456 से। अब आपका जो 456 है वो एक तो आपका 343 के बीच में और दूसरा आपका 512 के बीच में लाई करता है। 512 है आपका 8 का क्यूब और 343 आपका 7 का क्यूब, तो 456 आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। लेकिन अगर हम 80 का क्यूब निकालेंगे तो 80 का क्यूब आपका बनेगा 512000, जो कि इससे ग्रेटर है 456533 से। ओके, तो हम इसका मतलब 8 कंसिडर नहीं कर सकते, जब 80 का क्यूब इतना है तो 87 का क्यूब तो इससे बड़ा ही होगा, तो 8 हम रूल्ड आउट हो जाएगा हमारा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, हम कंसिडर करेंगे 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 77। तो इस गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 77। ओके, इस मेथड से हम अप टू 6 डिजिट्स के कोई भी नंबर होगा उसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, अप टू 6 डिजिट्स। ओके,